नल था। सारे नल से परिसर के सभी लोग पानी भर रहे थे। इस नल पर जावेद खान नवाज खान व वजीर खान और तल्लू नवाज खान इन दोनों के ही परिवार वाले पानी भरते थे, लेकिन पानी भरने के लिए इन्होंने नया तरीका सा निकाल लिया था। सार्वजनिक नल पर इन्होंने पाइप लगवाना शुरू कर दिया, जिसके चलते बाकी लोगों का पानी भरना मुश्किल हो गया था। जब इस बार मेरा नाम साजिद काजी, मैं भाजप से हूँ, तालुक का सरचुटलीस। एक नाइक प्लाट के अंदर बहुत दिन से भाइयों को तकलीफ थी कि उनको पानी नहीं मिल रहा था, और वो बार बार मेरे पास आई, बोले कि भाई हमारे को, आप पदाधिकारी आदमी हो, पाइप हमारे को नल चाहिए। तो मैंने एक ग्राम पंचायत से लड़के एक स्टैंड पोल वहाँ पे जारी कराया कि जिससे लोगों को आसानी हुई। तो दो घर ऐसे हैं जो 18 घर ऐसे हैं कि वो गुंडों से पानी लेके जाते थे, और दो घर बोलते थे कि हम गुंडों से पानी नहीं, पाइप लगा के पानी लेके जाएंगे। तो हमने उस लोगों के लिए मीटिंग बिठाई, बड़े बड़े लोग आए, उनको समझाए, और वो समझे भी। कुछ उनके घर की औरतें और कुछ वो दोनों आज फिर वैसी ही हरकत करें जिसके वजह से वो नल उखाड़ के फेंक रहे हो और टोटी बदला रहे कि हम पानी से ही पाइप भरेंगे, नहीं तो वैसा नहीं भरेंगे। और हम समझाने गए तो जावेद खान और तन्नू खान ने और उनकी मिसेस, दोनों मिसेस ने लौट के मेरे को नाली में गिराया वहाँ पे, और सर पे कत्ता मारा जिसके वजह से, और पाइप मारा जिसके वजह से आज मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। ये यानी करने के बाद, अच्छा काम करने के बाद ऐसे लोग जो समाज में रहते और इस समाज को बिगाड़ने वाले, जो माहौल को ख़राब करने वाले, आज पूरे मोहल्ले के लोग जैसे थू कर रहे हैं उनके नाम से और बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ। आज मेरे को 6 से 7 टाके लगे हैं सर के ऊपर, और जान से मारने की भी धमकी देते कि हम 20-25-30 हज़ार लगा के, कि हमने बोले उनको कि भाई 20-25-30 हज़ार ऊपर मत लगाओ, आप घर में 2 हज़ार का नल ले लो जिसकी वजह से झंझट मिट जाएंगी। लेकिन वो बोलते कि नहीं, हम पानी भरेंगे स्टैंड पोल से, पाइप से ही भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। अब वो सरकारी स्टैंड पोल है, सरकारी स्टैंड पोल पे कोई भी पानी भरने आता तो वाद विवाद का ऐसा मौसम बनता कि भाई इसलिए हमने मना किया था। तो आज रात में उन्होंने कत्ते से और पाइपों से हमला कर दिया मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मेरी जान जाते जाते बची।